सीएमओ कार्यालय में सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जियां। कौशाम्बी सीएमओ कार्यालय में कोरोना से अनजान बैठे डॉक्टर। अपर सीएमओ की अध्यक्षता में हुई प्राइवेट डॉक्टरों की बैठक। पढ़े लिखे अनजान बैठे डॉक्टरों ने जमकर उड़ाई सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां। पूरे विश्व में वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के कारण हाहाकार मचा हुआ है। वहीं यूपी के कौशाम्बी में सीएमओ कार्यालय में कोरोना बीमारी से अनजान बैठे चिकित्सकों ने सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई। अपर सीएमओ हिंद प्रकाश मणि की अध्यक्षता में जनपद के सभी प्राइवेट अस्पताल के चिकित्सकों के साथ एक बैठक की गई। बैठक में सोशल डिस्टेंसिंग का कोई ख्याल नहीं रखा गया। सीएमओ कार्यालय कैंपस के 30-30 फीट हॉल में लगभग 100 से अधिक प्राइवेट अस्पताल के चिकित्सकों को बैठाया गया और उन्हें बकायदा अस्पताल चलाने और ना चलाने का प्रशिक्षण भी दिया जा रहा था। इस बात की जानकारी जब मीडिया को हुई तो वो मौके पर पहुंचे और सोशल डिस्टेंसिंग न कराने वाली तस्वीरें अपने कैमरे में कैद करना शुरू कर दिया। अपर सीएमओ ने भीड़ में से जवाब दिया, क्या किया जाए जब हमारे पास कोई बड़ा हॉल नहीं है तो हम ऐसे ही बैठाकर लोगों को प्रशिक्षण देंगे। इसके बाद वो कैमरे के सामने आने से कतराने लगे और चुपचाप अपने कक्ष में चले गए। बैठक में आए चिकित्सकों से बात की गई तो उन्होंने बताया कि हमें क्या लेना देना जब सीएमओ महोदय ने ऐसी व्यवस्था की है, इसलिए हम लोग मजबूरी में बैठक में भाग ले रहे हैं। यदि स्वास्थ्य महकमा चाहता तो कलेक्ट्रेट के सम्राट उद्यान सभागार में बैठक करवा सकता था। इस सभागार में 200 से अधिक लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराते हुए बिठाया जा सकता है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग ने ऐसा नहीं किया। अब सवाल यहां पर ये उठता है कि जब स्वास्थ्य महकमा ही ऐसी हरकत करेगा तो कोरोना वायरस के संक्रमण को कैसे खत्म किया जाएगा? इसलिए बैठक बुलाई गई थी, अब क्या क्या काम है जी, क्या चीजें आप लोगों को बताई गई है? बैठक में कुछ फाइनल नहीं हुआ। हम लोगों को कहा गया कि अगर आप मानक के तहत अस्पताल चलाते तो चलाएं, और उसके बाद भी अगर आपके थ्रू आपके कॉन्टैक्ट से कोई पेशेंट पॉजिटिव पाया गया तो आपके खिलाफ FIR होगी, रास्ता होगा। इससे आम जनता को कितनी तकलीफ होगी, क्योंकि जिला अस्पताल में कोई इमरजेंसी ट्रीटमेंट नहीं हो पाएगा अगर हम लोग सब बंद कर देंगे अस्पताल तो कहाँ ट्रीटमेंट, और अपनी मर्जी से 5,000 तो ऐसा किसने कहा कि अस्पताल बंद कर देंगे? हम लोगों ने निर्णय लिया, बंद कर दीजिए। क्या नाम है? डॉक्टर विनय शुक्ला।